गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स. टुडे वी आर अगेन विद द न्यू चैप्टर. टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक. ओपन द पेज नंबर 98 एंड द चैप्टर इज 17 एडवर्ब्स. ओके, अ वर्ड दैट एड्स सम एक्स्ट्रा मीनिंग और एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस टू द सेंटेंस और ऑन अ वर्ड, इट इज कॉल्ड एडवर्ब्स. लाइक रीड दिस सेंटेंसेस. द ट्रैफिक मूव्ड स्लोली. ट्रैफिक तो मूव होती है, हम लोग सिंपल बोलते हैं, लेकिन स्लोली मूव होती है. ये बोल के क्या कर दिया हम, उस पर इन्फ्लुएंस ला दिए और प्रभावित कर दिए और आकर्षक वो बना दिए, अट्रैक्टिव सेंटेंस बना दिए ना. द वॉटर वॉज टेरिबली कोल्ड. जैसे हम लोग आम क्या कहते हैं कि वाटर बहुत ठंडा है, इट्स अ वेरी कोल्ड वाटर. सो यहाँ पे जब टेरिबली लगा दी, बहुत ज़्यादा एकदम भयानक ठंडा है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें एडवर्ब्स हो गया. टेरिबली क्या है, उसका एडवर्ब हो गया. एडवर्ब मीन्स वो जो वर्ब है या एडजेक्टिव है, तो उसको और खास बना देना, उसकी गुण उसकी क्वालिटी को और बढ़ा देना, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके, जिसको एडवर्ब्स कहा जाता है. टॉम वर्क्स एक्सट्रीमली हार्ड. The highlighted words are adverbs. In the first sentence, the adverb slowly modifies the verb moved. Okay? In the second sentence, the adverb terribly modifies the adjective cold. Cold को करता है modify, उसे प्रभाव डालता है. In the third sentence, the adverb extremely modifies the adverb hard. ये three examples आपको दिए गए थे adverb, ताकि आप ये इससे जान सकें कि adverb होता क्या है और इसकी main theme क्या है. Okay? It is the definition given here. Adverbs are words that tell us more about the verbs, adjectives or other adverbs. Adverbs are the words that tell us more about the verbs, adjectives or other adverbs. ठीक, adverbs वो होते हैं जो हम लोग को verb के या adjective के या adverbs के कुछ खास या उनके बारे में और भी चीज़ें बताते हैं. Types of adverbs. Adverbs can be of different types depending on their function in a sentence. Sentence के function के ऊपर depend करता है कि adverb कौन सा use होगा या किस type का चल रहा है. Adverbs of manner. The first one is adverbs of manner. इस खास तौर पे 3-4 होते हैं. Adverb of manner, adverb of time, adverb of place, adverb of frequency. The first one is adverbs of manner. Some adverbs describe the way or manner in which an action takes place. Means, some adverbs describe the way of manner in which an action takes place. वो action कैसे हो रहा है, कुछ adverbs ये बताते हैं कैसा हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, बुरे तरीके से हो रहा है, साफ सुथरे तरीके से हो रहा है, कैसा हो रहा है, चिल्ला के कोई कर रहा है कोई काम, तो मैनर उसमें क्या है. जैसे हम लोग अपना मैनर दिखाते हैं ना क्लास में, घर पे या किसी के सामने, तो वैसा मैनर. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ. मैनर क्या देता है, हाउ का आंसर देता है. सच एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एग्जांपल्स, ही वॉज ड्राइविंग केयरलेसली. अगर हम यहाँ कह दिए कि वो ड्राइविंग कैसी कर रहा है, कैसी मतलब हाउ इज ही ड्राइविंग, और हाउ इज ही ड्राइविंग अ कार, वो कार कैसा ड्राइव करता है, कैसा, यहाँ पूछे हाउ पूछ लिए, यहाँ पे जो लिखा होता है HW, तो उसका आंसर क्या निकल गया, केयरलेसली, एकदम असावधानी पूर्वक चलाता है. द प्लेन लैंडेड सेफली. एडवर्ब्स ऑफ टाइम. अब टाइम पे आते हैं. सम एडवर्ब्स टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन. दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन. ये व्हेन का आंसर देते हैं हम लोग को. सच एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एग्जाम्पल्स, आई एम स्टार्टिंग स्कूल टुमारो. ठीक,
टाइम का बताते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, 1 आवर के बाद करेंगे, 1 मिनट के बाद करेंगे, या 1 सेकंड के बाद कुछ कहेंगे, क्या कब करेंगे, ये सब बताया जाता है. व्हाट वी विल से व्हेन, इट इज डिटेल्ड इन दिस एडवर्ब्स ऑफ टाइम. द फर्स्ट एग्जांपल इज आई एम स्टार्टिंग स्कूल टुमारो, मैं स्कूल कल से जाने की तैयारी कर रही हूँ, कल से मेरा स्कूल शुरू हो रहा है. सेकेंड वन इज वी मूव्ड इनटू आवर न्यू हाउस लास्ट वीक. सो टर्न ओवर द पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 99. कम एट द टॉप एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. अब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस पे चलते हैं. इट टेल्स अस अबाउट द प्लेस. सम एडवर्ब्स पॉइंट आउट द प्लेस ऑफ एन एक्शन, दे आंसर द क्वेश्चन वेयर. ये हम लोग को क्या देते हैं, वेयर का आंसर देते हैं. सच एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. ये हमें प्लेस के बारे में बताते हैं. एग्जाम्पल्स, इट्स नाइस एंड सनी आउटसाइड. बाहर क्या है, अच्छा भी है और हल्की धूप है. आउटसाइड, आई कुडंट फाइंड माई बुक एनीवेयर. ये हम प्लेस क्या बताता है, वेयर का बताता है कि कहाँ रखा है, कहाँ पे होगा, कैसा क्या बताता है, कैसा, हाउ. इट इज टेल एडवर्ब्स ऑफ मैनर. व्हेन, एडवर्ब्स ऑफ टाइम. वेयर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ सम एडवर्ब्स टेल अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कितनी तेजी से या कितनी तेजी से या कितने आराम से, कितने धीमे से, उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है. सच एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी. एग्जाम्पल्स, आई विल नेवर मेक दैट मिस्टेक अगेन. फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्या आ रही है, अगेन. ब्रैड प्रैक्टिस द पियानो रेगुलरली. ब्रैड प्रैक्टिस द पियानो रेगुलरली, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, रोज की है. यहाँ पे कुछ दिए हैं, पहले पढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर का. सम, फेयरली, स्विफ्टली, हार्ड, ब्यूटीफुली एंड केयरफुली. टाइम का, बिफोर, नाउ, ये, डेली, देन. प्लेस, एवरीवेयर, इनसाइड, विद इन, आउट, बिलो. फ्रिक्वेंसी, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडवर्ब्स ऑफ मैनर. अब एडवर्ब्स ऑफ मैनर हम लोग इसे फिल करेंगे. द फर्स्ट वन इज मिमी टॉक्स डैश इवन विद स्ट्रेंजर्स. मिनी स्ट्रेंजर्स के साथ भी कैसा बात करती है, कैसी बात करती है, केयरफुली, सावधानीपूर्वक, मतलब सोच समझ के क्या बोलना है. अगर कोई स्ट्रेंजर से आप बात कर रहे हैं तो आपको सावधानीपूर्वक उससे क्या करनी चाहिए, बात करनी चाहिए. वी शुड टॉक एवरी वन और इवन अ स्ट्रेंजर केयरफुली और मैनरफुली. ऑल्सो द रिच मैन ट्रीटेड द पुअर मैन डैश. एक रिच मैन पुअर मैन को कैसे बिहेव करता है, फेयरली, मतलब कोई पक्ष नहीं लेना कि तुम गरीब हो तो हम अमीर हैं, ऐसा कुछ नहीं. सी द ग्रुप ऑफ सिंगर्स परफॉर्म्ड डैश. ये देखिए ग्रुप ऑफ सिंगर्स हैं तो उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदरतापूर्वक परफॉर्म किया. एलेक्स ऑलवेज डज हिज वर्क हार्ड. अपना काम क्या करता है, जैसे कहते हैं काम बढ़ा दिया, काम को और कठिन कर दिया, ऐसा. ई द सन शाइन्स डैश इन द स्काई, स्विफ्टली इन द स्काई. नाउ टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर 100. नाउ कम एट द 2 नंबर. कंप्लीट द सेंटेंसेज विद एडवर्ब्स ऑफ टाइम और प्लेस गिवन बिलो. अब यहाँ टाइम और प्लेस दोनों हैं, जैसे हियर, येट, अगो, इंडोर्स, देयर, लेट. सो द बस विल स्टॉप वेयर, हियर. तो हियर यहाँ पढ़ गया अच्छे से. एज यूजुअल सांद्रा अराइव्ड डैश टू क्लास, लेट टू क्लास. The guests just left a few minutes ago.
The visitors will have to park their cars where? There. The visitors will have to park their cars there. Number E. We have not moved into our new house yet. हम अभी तक अपने नए घर में नहीं गए. यह as yet भी होता है. Flowers like these don't grow indoors. इस तरह के पौधे घर के अंदर indoors नहीं होते, नहीं पनपते, grow नहीं करते, बड़े नहीं होते, उनका विकास नहीं होता indoors. Here we are ending. So in a next class we will continue from the third number. It is second. The first one is here. Third. Complete the sentences with the suitable adverbs of frequency. Then number 4 and the number 5, the adverbs of degree, we will continue in our next class. So for the time being, do all the exercise whatever is filled, number 1 and number 2. Okay? So thank you.